ये कि तीसरा भाव स्मरण रखिएगा, जीवन में कोई आपको ऐसा मिल जाए कि जो आप सोचे उतना ही सोचे, तो आप धरती के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। मिलते नहीं हो, आप सोचेंगे आम, वो सोच रहा है कटहल, बहुत कठिन है। इतना सोचा संतों ने कि भगवान ये सोच रहे हैं, भगवान ये सोच रहे हैं, लेकिन मेरे परमात्मा ने क्या सोचा? भरत जी के स्वभाव को, उनकी शीलता को, शालीनता को, व्यवहार को, विहार को, आज्ञा पालकता को सोचकर परमात्मा प्रसन्न हुए और भगवान को समाधान कहाँ मिला? समाधान तब भायह जाने भरत कहे साधु शयान। भगवान को समाधान यूं मिला, भरत जी हमारे कहने में रहते, हम जो कहेंगे भरत जी उसको मानेंगे। क्यों? भरत जी साधु हैं। त्रिवेणी मैया ने कहा ना, तात भरत तुम सब विधि साधु हैं। सयाने विवेकी हैं। सयाना कौन? मानस में सयाना की परिभाषा बहुत विकट है। सोई सयान जो परधन हैं, परधन है। माइक थोड़ा नीचे करिए, मुंह पर लगाने की मशीन है। कल तो बहुत तेज भजन गा रहे थे हो, आपन गावत हो तो जोर से, हमारे गावत हो धीरे से। देखिए मानस की परिभाषा क्या है, सोई सयान जो पर धन हार, पर धनहारी। दूसरे के रुपया जो झीट ले वो मानस के अनुसार सयाना माने समझदार है। आज चार श्रेष्ठ कौन है? जो कर दंभ सो बड़ आचार्य। पिछले कलयुग की बात है अभी की नहीं, नहीं। गोस्वामी जी पिछले कलयुग के, तेही कलयुग को सलपुर जाई जन्मत भय शुद्र तन पाई, वहां की कथा है अभी की नहीं। अभी तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, खूब खूब सब साधु पुरुष लोग, महात्मा लोग, कैसे साधु लोग, आचार्य लोग तो सब दिव्य। तो भगवान को समाधान मिला, भरत कहे मऊ, ये भरत चरित्र है। आपको परिवार में बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, काका हो, काकी हो, आप किसी के बच्चे हो, पिता को आप में भरोसा हो, सदगुरु को आप में भरोसा है, जो कहूंगा वही करे, आप भाग्यशाली हैं। भरत कहे मऊ साधु सयाना। भरत जी हमारे कहने में रहते हैं क्योंकि भरत जी साधु हैं और विवेकी हैं, सयाने हैं। वो स्थिति परिस्थिति को समझ के व्यवहार कर लेते हैं। ठीक है, दो चरित्र भगवान के सन्मुख है, एक लक्ष्मण जी महाराज, एक भरत जी महाराज। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? भगवान के निमित्त क्या उत्तम व्यवहार है, लक्ष्मण जी ये करते हैं। और भगवान के मन को क्या सुंदर लगता है, भरत जी ये करते हैं। आपके जीवन में दोनों चाहिए, एक लक्ष्मण चाहिए और एक भरत भी चाहिए, दोनों अनिवार्य है। यही कथा का अनुपान है, प्रकाश है। शरणागति हुई, भरत जी भगवान के चरणों में, भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया, अगले दिन भेंट हुई है। फिर पांच दिन रहना हुआ, पांच बैठकी हुई, सुनेना जी मैया को लेकर जनकराज महाराज पधारे,
अंतिम निर्णय ये हुआ, प्रभु ने जो प्रकाश दिया, भैया हम जानते हैं कि आपको अयोध्या में अकेले अनुकूल नहीं पड़ेगा, परंतु जरा विचार करिए ना, पूज्य पिताजी को अपना तन प्रिय नहीं था, वचन प्रिय थे, वचन अर्थात सत्य। उन्होंने कुल की सौगंध ली, मेरी सौगंध ली, सत्य की सौगंध ली, उसका उन्होंने पालन किया। हम चारों भाइयों को योग्य है कि हम लोग पिताजी के वचन का पालन करें। पिताजी के वचन का पालन करने में ही रघुवंश की गरिमा है, रघुवंश की मर्यादा है, और हम चारों का भी मंगल है, माताएं भी प्रसन्न, गुरुदेव भगवान, गुरु मास, जनक राज मास, सबको प्रसन्नता प्राप्त हो। भरत जी कहना तो कुछ चाहते थे, परंतु जैसे ही परमात्मा ने ये कहा, बांटी विपट सब ही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी, बड़ी कठिनाई भरत जी स्वीकार कर लिए। कहे नाथ भयो सुख साथ गए को लहु जग जन, हे प्रभु आपकी आज्ञा हुई, मुझे साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। क्यों? सरकार को जो अनुकूल है वो हमको अनुकूल है, सरकार की जिसमें प्रसन्नता है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए, वही करिए प्रभु। आपने आज्ञा दी, स्वीकार करेंगे। आप आज्ञा करें तो हम चित्रकूट के पावन क्षेत्रों का दर्शन कर लें, जहाँ सरकार और माँ के श्री चरण पड़े हैं। अत्रि महाराज की आज्ञा लीजिए, दर्शन करिए। अभिषेक के लिए क्या आज्ञा है, जो सामग्री हम लाए हैं, जैसा माँ मुनि कहें वैसा विचार करिए। एक दिव्य कूप था, जो आज भी उपस्थित है चित्रकूट में, नाम है भरत कूप। सब सामग्री अत्रि महाराज ने उसमें संरक्षित करा दिया। उस कूप के जल को पान करने से पुण्यवर्धन होता है, परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। आप कभी चित्रकूट जाएं तो भरत कूप का दर्शन अवश्य करें। राम जी की शयन की एक शिला है, राम शयनी शिला, उसका भी आप दर्शन करेंगे। पास में ही है, चित्रकूट में कोई क्षेत्र दूर नहीं है, सब आसपास ही है, आनंद का क्षेत्र है। रहीम बाबा ने लिखा है, चित्रकूट में रमि रहे रहिमन यवधन रे, जा पर विपदा परति है सोयावे यही। चित्रकूट में भगवान का साक्षात सहज वास है, माँ के संग में, लखनलाल जी के संग में। महात्मा लोग अनेक तपस्वी, जब आप हनुमान जी के सहस्त्र धारा से ऊपर जाएंगे, आज भी महात्मा लोग तपस्यारत वहां मिलेंगे आप, कभी दर्शन करिए। अति दिव्य क्षेत्र है, परम पावन क्षेत्र है, अनुकूल क्षेत्र है, आनंद आता है। अपनी सहजावस्था को आज भी चित्रकूट बना के रखे है।